टमाटर की बढ़ी हुई कीमतों से रसोई का स्वाद बिगाड़ने के बाद अब पति पत्नी के रिश्तों में खटास डालना शुरू कर दिया है। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये अजीबोगरीब मामला मध्य प्रदेश के शहडोल के बमहौरी से सामने आया है। यहाँ एक पति ने बिना अपनी पत्नी से पूछे दो टमाटर सब्जी में डाल दिया। अब इस बात से नाराज पत्नी बिना बताए घर छोड़कर चली गई। वो अपने साथ खुद तो गई गई, अपनी बेटी को भी लेकर चली गई। अब पत्नी के घर छोड़ने से पति का बुरा हाल हो गया है। अब वो पुलिस के चक्कर काट रहा है। उसने पुलिस से अपनी पत्नी को वापस लाने की गुहार लगाई है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि फरियादी शख्स की पत्नी का पता चल गया है, वो नाराज होकर अपनी बहन के घर उमरिया चली गई है। हिंदी न्यूज 18 से सौरभ पांडे की खबर के अनुसार मध्य प्रदेश के शहडोल के बमहौरी निवासी संजीव वर्मा ने बताया कि वो एक छोटा सा ढाबा चलाता है। इसके अलावा उसका टिफिन का भी काम होता है, जो घरों में टिफिन जाता है। 3 दिन पहले टिफिन में देने के लिए घर में सब्जी पक रही थी, तभी उसने बिना पत्नी से पूछे सब्जी में 2 टमाटर डाल दिए। अब इतना देखते ही जो पत्नी थी वो आग बबूला हो गई, झगड़ने लगी कि टमाटर इतना महंगा है और तुमने 2 टमाटर सब्जी में डाल दिए, किससे पूछकर डाल दिया। इसी बात से इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। शख्स ने बताया कि झगड़ा होने के बाद मैं देवपुरी थाने पहुंच गया। मैंने पुलिस को अपनी आपबीती भी बताई कि पत्नी सुबह वाली बस में बैठकर कहीं चली गई है, खुद तो गई ही गई है, साथ में अपनी बेटी को भी लेकर गई है, यानी हमारी बेटी को लेकर गई है। अब मैं उसे वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो टमाटर डालने वाली बात को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो आने का नाम नहीं ले रही है। अब पुलिस के सामने पति संजीव वर्मा ने कसम खाकर शपथ ली है कि जब तक टमाटर का दाम कम नहीं हो जाता तब तक वो उसका इस्तेमाल भी नहीं करेगा सब्जी में। बस पुलिस उसकी पत्नी को बेटी समेत वापस बुलवा दे। अब टमाटर के बड़े दाम को लेकर पति पत्नी के बीच हुए इस विवाद की चर्चा पूरे प्रदेश में सोशल मीडिया में हो रही है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने युवक की पत्नी से बात की है और उसने कहा है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगी। आपके साथ टमाटर को लेकर कोई ऐसी घटना घटी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।